check the mic and make sure it sound right, boys. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। कैसा गुजरा आपका ईद का पहला दिन? उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा। तो हमारा कल मैंने कल बताया था कि हम 7 बजे फारग हुए थे बकरे करवा करू के, तो कल थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं जल्दी सो गया था। तो अब उठाऊँ, आप देख सकते हैं मेरी हालत से कि मैं अभी उठाऊँ, नाश्ता किया मैंने। तो अभी अगला प्रोग्राम तो हमारा है कि कीमा वगैरह करवाना है गोश्त का, तो वो मैं करवाने लगा हूँ। Sound right, boys. जी कीमा वगैरह बन के आ गया है, तो अभी टाइम है कि चपली कबाब का मसाला बनाया जाए और उसे मिक्स किया जाए और फिर चपली कबाब बनाए जाए। तो अभी मैं चपली कबाब का मसाला बनाने लगा हूँ। तो ये नमक हो गया, दादरी मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, जीरा, लाल मिर्च, अजवाइन, एक चीज रह गई है जो क्या बेसन। तो बेसन अभी रह गया, वो मैं अभी दुकान से लेके आता हूँ, तो फिर आके मिक्स करते हैं और बनाते हैं चपली कबाब। बेसन आ गया जी, तो अब तैयारी शुरू करते हैं, तो बनाते हैं चपली कबाब। It sound right, boys. सबसे पहले ये 3 प्याज है, तो इन्हें मैं काट के फिर बाद में इन्हें जो करना है। तो चूरी कहाँ पे है, चूरी कहाँ पे है, हाँ चूरी भी मिल गई है हमें, तो अभी काटते हैं इन्हें। आंखें मेरी रेड हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी ये मिर्चें भी मैंने धो ली थी, प्याज भी मैंने काट लिया है। अभी चॉप करने का टाइम आ चुका है, तो चॉप करते हैं। ये हाल होता है मोर्चे खाने में।
It sound right, boy. अभी से चौक देने लगा हूं मैं। अभी टाइम आ चुका है मसाला मिक्स करने का, मसाला बनाने का। तो पहले लेते हैं हम नमक लेना है हसब जायका, आपको जितना पसंद हो। मैं वैसे लूँगा तकरीबन एक चम्मच फिलहाल के लिए, क्या कह देते हैं डेढ़ चम्मच के लिए नमक। जो लाल मिर्च वो थोड़ी सी कम डालेंगे क्योंकि हमारे पास सरल मिर्च भी है, तो उस हिसाब से हम ये मिर्च डालेंगे सिर्फ एक चम्मच। ये जीरा है, जीरा मैं डालूंगा थोड़ा सा जितना मुझे पसंद होगा। ये अभी गरम मसाला भी तकरीबन डालेंगे चम्मच में निकालूंगे इधर से। एक मिनट आधा, बस ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो एक चीज रह गई है मेरे पास, सूखा धनिया रह गया है। सूखा धनिया मैं देखता हूँ, ये पड़ा हुआ है सूखा धनिया, तो ये भी डाल लेते हैं तकरीबन एक चम्मच। जो दादरी मिर्चें हैं वो हम डालेंगे बाद में, ताकि वो दादरी जो मिर्च है वो अच्छी लगती है तो देखने में भी, तो वो बाद में डालेंगे। तो अभी मैं चौक कर लेता हूँ, मसाला बना लेता हूँ। मसाला भी रेडी हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं, ऐसे रखते हैं। तो अब टाइम आ गया है कीमे में इसे मिक्स करने का, इन सब चीज़ों को। तो कीमे में अभी मिक्स करते हैं इन सबको। ये जो हमारे पास कीमा है, कीमा ज़्यादा लग रहा है मुझे वैसे, चलो देख लेते हैं। हाथ मैंने धो लिए थे अच्छी तरह से, आपने हाथ अच्छी तरह से धो लेने जब आपने भी काम करना है। पहले मैं डालूंगा मसाला, अगर थोड़ा हुआ तो मैं बाद में दोबारा डाल लूंगा, क्योंकि मैं साल बाद बनाने लगा हूँ, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कितना मसाला डालूंगा। अभी ज़्यादा अच्छी तरह से मसाला डाल रहे हैं, मसाला जी डल चुका है। अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से। एक चीज मैं भूल गया था डालनी है अजवाइन, तो अजवाइन भी दोबारा मिक्स करके वो भी डालते हैं। अभी अजवाइन डाल लेते हैं, मसाला एकदम मिक्स हो गया। अभी डालते हैं प्याज और मिर्चें, फाइनली अब बेसन डाला जाएगा इसके ऊपर। बेसन से ये होता है ये फिर टूटते नहीं है,
दे रहे हैं अच्छी तरह से, मैंने मिक्स कर लिया, अभी इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा जाएगा। आधा घंटा हो चुका है तो मैंने वो कीमा जो है फ्रिज में रखा हुआ है तो अभी ठंडा हो गया होगा, अभी लाते हैं बॉयल बनाते हैं सीख कबाब। Check the mic and make sure it sound right, boys. कबाब वगैरह बन गए हैं तो मैं अभी खा के देखने लगा हूँ कैसे बने हैं, तो अभी मैं चेक करता हूँ रोटी के साथ लगा के कि कैसे बन गए हैं ये। मज़ेदार बन गए हैं, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।